हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और दोस्तों, मैं ऐसा फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसे छुपी हुई हिडन ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आपके फ़ोन में साइड बार इनेबल नहीं है और एंड्रॉयड 10 अपडेट आने के बाद जो है आपके फ़ोन में एंड्रॉयड की जो साइड बार है वो देखने को मिलेगी। और अभी हमारा डिवाइस जो है एंड्रॉयड 9 पे रन कर रहा है तो आपके फ़ोन में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है एडवांस में उस फीचर को लेके आ सकते हैं और काफ़ी अमेजिंग फीचर है। और कैसे आपने लेके आना है पूरा आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी साइड बार, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अगर आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से मिल जाएगी, अगर आप जो है मेरे लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो कौन सी सेटिंग है, जैसे मान लो कि मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स आ गई। अभी तो कुछ नहीं है, मतलब और भी बहुत सारी सेटिंग्स है। आपकी साइड बार बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब डिज़ाइन की है जो कि मैं आपको यहाँ बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छी साइड बार है यहाँ पर। आप ये जो एप्लीकेशन है मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सेट की है, तो आप जो है अपने हिसाब से यहाँ एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत लंबी सेटिंग है, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो उसके लिए साइड बार में जाना होगा। साइड बार में जाने के बाद, साइड बार में जाने का आपको दो ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे, साइड बार विद 3 पैनल यहाँ पे मिले, साइड बार विद 1 पैनल। तो दोस्तों यहाँ पे अभी साइड बार विद 1 पैनल यहाँ पे मैंने 3 पैनल नहीं रखा है, 2 पैनल सिंगल पैनल ही रखा है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आप जो है 3 पैनल कैसे सेट करेंगे। मान लो कि मैंने दोनों ही बंद कर दिया, फिर उसके बाद 3 पैनल वाला यहाँ से ऑन कर दिया। तो 3 पैनल ऑन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 पैनल वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया। पहले सिंगल पैनल वाला था, लेकिन अब जो यहाँ पे 3 पैनल वाला आ गया। तो यहाँ से यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो कितने अल्टीमेट लग रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने खुद सेट किया है, मैंने बताऊँगा कैसे आपने सेट करने हैं। यहाँ पे आ गई आपकी एप्लीकेशन, यहाँ पे आ गया आपके कॉन्टैक्ट्स और यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन, सारी यहाँ पे आ गया। तो ये आपने सेट कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, बहुत ईजी है। तो आपने साइड बार पे जाना है यहाँ पे, फिर सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपने ऐड ऐप, ऐड फेवरेट ऐप्स, यहाँ पे आपने फेवरेट ऐप्स जो है मैंने जो है ऐड की है आपके। जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोई भी ऐप नहीं होगी, आपने यहाँ से जो है ऐड करना है। यहाँ पर आ गया हमारा फेवरेट ऐप्स, यहाँ पर आ गया हमारा ऐड फेवरेट कॉन्टैक्ट्स, फेवरेट कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आपने ऐड कर लेने हैं। और ऐप बैकग्राउंड, ऐप बैकग्राउंड में जो है आप कौन सी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। मान लो मैं यहाँ पर ग्रीन रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ग्रीन, मान लो कि ब्लू रखूँगा यहाँ पे तो मैंने रख लिया। तो ये जो है ये इस वाले में वर्क करेगा, नीचे वाले में। तो आप जो है जब मैं इसे ऑन करूँगा यहाँ से, तो मैं इसका बैकग्राउंड जो वो चेंज हो चुका होगा, ये देख सकते हो बिल्कुल ही ब्लू हो चुका है। तो ये ट्रिक जो है आप किसी भी सैमसंग डिवाइस में इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये ट्रिक मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगी, और आप भी जो है अपने फ़ोन में इसे इनेबल कर सकते हैं। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो बाय बाय।